हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एच फॉर हॉरर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी दिल्ली के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक भूली भटियारन महल की है। कहानी के एंड में हम भूली भटियारन महल की सच्ची कहानी जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राजन है। मैं दिल्ली आगे की स्टडीज़ के लिए आया था। यहाँ हॉस्टल में रूम ना मिलने पर मैंने करोल बाग में ही एक कमरा रेंट पर ले लिया, जिसमें मेरे साथ एक रूममेट भी था। मैंने अपना खर्चा निकालने के लिए कनॉट प्लेस में एक पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से मेरा करोल बाग मेट्रो स्टेशन में आना जाना लगा रहता था। ये सर्दियों का मौसम था और मेट्रो स्टेशन से नीचे आते टाइम सीधे हाथ पर एक सीढ़ियाँ थी जो ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी की तरफ जाती थी। मैं हमेशा उन सीढ़ियों को देखता और सोचता कि ये सीढ़ियाँ कहाँ के लिए जाती हैं। एक दिन मैंने अपने रूममेट से पूछा तो वो बोला ये सीढ़ियाँ तो झंडे वाला मंदिर के लिए जाती हैं। मैंने सोच लिया मैं वहाँ जाकर एक बार ज़रूर देखूँगा। अब संडे आया, आज कॉलेज और जो अब दोनों से छुट्टी थी। मैंने घर का सारा काम किया और शाम को 5 बजे मंदिर के लिए निकल गया। मेट्रो स्टेशन से जुड़ी सीढ़ियों पर कुछ देर चलकर मैं एक छोटे से जंगल जैसे एरिया में पहुंच गया। वहां एक पुराना महल जैसा कोई स्ट्रक्चर भी बना हुआ था। मुझे ये देखने में बड़ा अच्छा लगा। उस टाइम वहाँ बहुत से लोग जा रहे थे, शायद ये एक आम रास्ता था। मैं भी उसी रास्ते पर चलता गया। कुछ ही दूरी में यह जंगल का रास्ता ख़त्म हुआ और फिर एक बड़ी सी रोड और वही भीड़ भाड़ वाला एरिया शुरू हो गया। थोड़ी ही दूर चलने पर मुझे मंदिर दिख गया। मैं मंदिर गया, वहाँ आरती का समय हो गया था, इसलिए मैं आरती ख़त्म होने तक वहीं रुक गया और आरती ख़त्म होने के बाद मार्केट में इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कि कब 8 बज गए। अब मैं घर के लिए निकला। थोड़ी दूर चलने के बाद मैं उसी जंगल वाले एरिया में पहुंच गया। सर्दियों के टाइम होने की वजह से वो एरिया बहुत ही सुनसान लग रहा था और इस समय उस जगह पर बहुत ही कोहरा भी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रात के 10-11 बज गए हों। जैसे ही मैं उस एरिया के अंदर घुसा, मुझे बहुत ज़्यादा ही ठंड महसूस हुई और इतना घना कोहरा कि आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा ये जंगल का एरिया है, इसलिए यहाँ ज़्यादा ठंड होगी। मैं धीरे धीरे चलने लगा। मैंने फ़ोन की लाइट भी ऑन कर ली थी क्योंकि कोहरे की वजह से मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी मुझे जैसे किसी के पायल पहनकर चलने की आवाज़ आई। मैंने सोचा शायद कोई और भी इसी रास्ते से जा रहा होगा। मैंने आवाज़ दी पर कोई जवाब नहीं मिला, तो मुझे लगा शायद किसी कीड़े या झींगुर की आवाज़ होगी। अब मैं चलते चलते उसी महल के खंडर के पास पहुंच गया। मुझे कोहरे और अंधेरे की वजह से रास्ता भी पता नहीं चल रहा था। तभी मैंने देखा कि उस महल के गेट के पास लाइट जली है और वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई धीरे धीरे बातें कर रहा हो। मुझे लगा ये बिल्डिंग तो गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो पक्का कोई चौकीदार वहाँ होगा। मैंने उसी तरफ जाने का सोचा और सोचा कि चौकीदार से रास्ता भी पूछ लूँगा। अब कोहरे में चलते हुए मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं गेट के और पास चला गया। वहाँ पर देखा तो कोई भी नहीं था। किसी को ना पाकर मैं फिर से अपने ही रास्ते पर चलने लगा। तभी एक जोर की चीख के साथ मेरे कदम रुक गए। मेरे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मुझे बस इतना पता था कि वो आवाज़ उस महल के अंदर से आ रही थी। मैं फिर से महल की तरफ मुड़ा। मुझे लगा शायद किसी को मेरी ज़रूरत है। मैं गेट के पास पहुंचा और देखा तो गेट खुला हुआ था। मैं अंदर गया। इस महल के अंदर कुछ कमरे थे और आंगन था, और ऐसे ही ये महल कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं था। मैंने इधर उधर देखने लगा। तभी मैंने देखा कि एक कमरे के दरवाजे के पास कोई खड़ा है।
देखने से एक औरत जैसी लग रही थी। अंधेरा होने की वजह से कुछ ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने उन्हें आवाज़ दी और कहा कि मैंने चीखने की आवाज़ सुनी है, आपको कोई प्रॉब्लम है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। ध्यान से देखा तो वो सर झुकाए खड़ी थी। मैं थोड़ा और पास गया, मैंने फिर से पूछा पर मुझे फिर से कोई जवाब नहीं मिला। मैंने फ़ोन की लाइट उसकी तरफ की, वो अभी भी सर झुकाए ही नीचे नीचे कुछ देख रही थी। मुझे लगा शायद नीचे कुछ होगा, तो मैंने फ़ोन की लाइट को नीचे की तरफ किया। तब मुझे समझा कि उसका शरीर तो दूसरी तरफ मुड़ा हुआ है, कि गर्दन पीछे की तरफ उल्टी घूमी हुई थी और गर्दन टूटने की वजह से उसकी गर्दन नीचे की तरफ लटकी हुई थी। मैंने जैसे ही लाइट फिर से ऊपर की तो वो औरत एक डरावनी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, कैसे चलूँ तुम्हारे साथ? इतना कहकर वो ज़ोर से चीखी। उसकी चीख से मेरे कान सुन हो गए। मुझे ना तो कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था कि क्या करूँ। और वो औरत तेज़ी से मेरी तरफ आई और मेरा गला पकड़कर ज़ोर से दबाने लगी और चिल्लाने लगी, तू मुझे मारेगा, तू मुझे मारेगा, देखती हूँ आज कैसे तू मुझे मारेगा। और मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर उसके नाखून जैसे मेरी गर्दन में धंसते चले जा रहे थे और दर्द के मारे मेरे हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे। तभी थोड़ी देर में ही अचानक से वो औरत गायब हो गई। तभी मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत मेरे साइड में खड़ी हैं। उनका चेहरा इस अंधेरे रात में एक रोशनी के जैसा चमक रहा था। उन्होंने मुझे उठाया और पूछा, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उनको वो सब समझाने लगा जो अभी अभी मैंने देखा था। वो बोली, यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, फिर मैंने खुद को इधर उधर देखा, चेक किया तो मुझे कोई चोट भी नहीं लगी थी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने उनसे कहा, मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ चलो, मैं भी वहीं को जा रही हूँ। मैं उनके साथ चलने लगा। तभी थोड़ी ही देर में वहाँ से बाहर आ गया। जैसे ही मैं उनको थैंक यू बोलने के लिए मुड़ा तो मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था, मैं वहाँ अकेला ही खड़ा था। मैंने चारों तरफ देखा पर दूर दूर तक वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे नहीं पता कि वो कौन थी और क्या थी, वो कोई अच्छी आत्मा थी या कोई भगवान थे जो मेरी मदद करने आए थे। मैंने रूम में जाकर ये सब अपने रूममेट को बताया। उसने मुझे कहा, हाँ उन सीढ़ियों के ऊपर जाकर उस जंगल वाले एरिया में भूली भटियारा नाम का एक महल है जिसे कि हॉन्टेड कहा जाता है। वहाँ बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। लोगों को वहाँ औरतों और बच्चों की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड एक या दो दिन से ज़्यादा नहीं रुकता। मेरे दोस्त ने कहा कि यहाँ से जुड़ी दो तीन कहानियाँ हैं। पहली कहानी की माने तो यहाँ एक रानी रहा करती थी जो कुछ 600 साल पहले मर गई, उसकी आत्मा यहाँ रहती है। और दूसरी कहानी ये कि किसी बू अली बख्तियारी नाम के एक आदमी ने वहाँ शासन किया था और उसी के नाम पर उस जगह का नाम रखा गया, लेकिन टाइम के साथ ये नाम धीरे धीरे बदलता गया और ये नाम भूली भटियारी हो गया। और तीसरी और सबसे सच्ची माने जाने वाली कहानी ये है कि एक भूरी नाम की राजस्थानी महिला जो भटियारन जनजाति की थी, वो अपना रास्ता भटक कर इस जगह पर पहुंच गई और एक दिन वहाँ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक आया। वो बहुत प्यासा था। भूरी ने सुल्तान को पीने के लिए पानी दिया तो सुल्तान ने उस जगह पर एक महल बनवा कर उस भूरी नाम की महिला के नाम पर उस जगह का नाम रख दिया। और क्योंकि वो अपना रास्ता भूल गई थी इसलिए उस जगह का नाम भूली भटियारी रख दिया गया। और मैंने कभी भी उस जगह पर फिर से रात को जाने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों आप बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और कमेंट में अगर आप इस जगह के बारे में और कुछ भी जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली कहानियाँ नहीं सुनी हैं तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें और हमारी कहानियाँ सुनें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाएँ।
जिससे कि नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओके, बाय।